वेलकम स्टूडेंट, कैप्सूल नंबर थ्री। कैप्सूल नंबर थ्री आपके सामने है और इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरी दी हुई है, पैसेज है, सब कुछ है इसमें। एक एक करके पार्ट है, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप कर पाए हैं या कर सकेंगे। तो मैं यहाँ करा रहा हूँ, इससे पहले आप अगर सेट लगा चुके हों तो उसमें आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी PDF भेजी हुई है। और PDF के बेस पर पहले आप करें, इसके बाद इसको सॉल्यूशन मैं जो दे रहा हूँ इनके बेस पर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर वन है जिनमें एंटोनिम्स पूछे गए हैं। विविड, विविड माने होता है स्पष्ट यानी क्लियर, तो इसका आंसर है वो होगा वैग्यू, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। वैग्यू यानी नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं हो। अगला है हेट्रेड, हेट्रेड कहते हैं घृणा, जिसका अपोजिट होगा लव यानी प्रेम, तो सेकेंड का आंसर है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर में आइए, चूज अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में देखिए, पहला है नॉलेज, नॉलेज माने होता है ज्ञान, यानी किसी चीज़ के बारे में आपको समझदारी हो, अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए अगला है नंबर फोर, सोलेस, सोलेस माने होता है शांति, चैन यानी आराम, कम्फर्ट, पीस है वो अलग चीज़ होती है, जैसे बाहरी शांति होती है वो कहलाती है पीस, और आंतरिक जो आराम होता है या शांति कहलाती है वो कहलाती है सोलेस या कम्फर्ट। तो इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो बी यानी कंफर्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इडियम पुट अप विद। पुट अप विद कहते हैं बर्दाश्त करना, इसके कई रूप में पूछा जाता है। पुट अप विद, कीप अप विद पूछ लेता है कभी कभी, टू बी ऑन पार, ये तीनों में से कोई भी इडियम्स आते हैं जिसका आंसर है वो बर्दाश्त करना यानी सहन करना, एंड्योर या बियर या टॉलरेट, इसके आंसर बनते हैं। तो एंड्योर इज द करेक्ट आंसर ई। बाय एंड बाय माने होता है धीरे धीरे, लेकिन एक सिस्टमेटिकली, तो एवेंचुअली, एवेंचुअली यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले जो क्वेश्चन नंबर सेवन है, उससे पहले एक पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज ज़्यादा कठिन नहीं है, आप भी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन से पहले पैसेज। देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल्स, तीन प्रकार के जो ऑयल एनिमल्स के ग्रुप होते हैं, वेजिटेबल और जो ऑयल्स हैं उनमें एनिमल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है और मिनरल ऑयल। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल, एनिमल ऑयल की अधिकतर मात्रा जो है ना कम फ्रॉम व्हेल्स, व्हेल मछली है उसमें से आती है। दोज इनॉर्मस क्रीचर्स ऑफ द सी, जो समुद्र के अंदर इनॉर्मस कहते हैं बहुत विशाल क्रीचर्स माने प्राणी जो हैं पाए जाते हैं वो उनमें। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, जो संसार में जितने भी बड़े बड़े जानवर बचे हैं उनमें सबसे बड़ा जानवर है। टू प्रोटेक्ट द व्हेल, व्हेल मछली को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा देने के लिए, फ्रॉम द कोल्ड, सुरक्षा सर्दी से सुरक्षा देने के लिए, यो प्रकृति ने क्या किया है, आर्कटिक समुद्र के अंदर जो जहाँ बहुत बर्फ जमी रहती है उसमें व्हेल मछली जो है उनको सुरक्षा देने के लिए, नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट, यानी बसा जो फैट होती है उसकी बहुत मोटी सी कवर जो है लेयर दी गई, कॉल्ड ब्लबर, जिसको हम ब्लबर कहते हैं। व्हेन द व्हेल इज किल्ड, जब व्हेल मछली को शिकार किया जाता है, द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ, तो उसके जो ब्लबर जो पट्टी है उसको स्ट्रिप करके पट्टियों की तरह निकाल दिया जाता है, बॉइल्ड डाउन, और फिर उसको उबाला जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल निकलता है, विच कैन बी मेड इंटू फूड, जिसके मात्रा उसे हम खाना पका सकते हैं, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मनुष्य के भोजन के लिए भी काम करता है। आपको बता दें जो व्हेल मछली है वो टोटल शाकाहारी होती है, इसलिए उसके ऑयल से जो है वो निकाला जा सकता है और भोजन के लिए भी वो फायदेमंद है। अ फ्यू अदर क्रीचर्स ईल्ड ऑयल्स, कुछ अन्य प्राणी भी जो है वो ऑयल ईल्ड यानी उपज करते हैं, देते हैं, बट नन सो मच एज द व्हेल, लेकिन कोई भी इतना नहीं देती जितना व्हेल मछली देती है। द लीवर्स ऑफ द कॉड एंड हेलीबट, कॉड और हेलीबट नाम की जो मछलियाँ हैं उनके जो लीवर होते हैं, टू काइंड्स ऑफ फिश, दो प्रकार की मछलियाँ हैं, ईल्ड नरिशिंग ऑयल, पोषण तत्व जो मिलता है, पोषण ऑयल मिलता है उनको। बोथ कॉड लीवर ऑयल एंड हेलीबट ऑयल आर गिविन टू सिक चिल्ड्रन, कॉड लीवर ऑयल और हेलीबट ऑयल मछली का जो ऑयल है वो बीमार बच्चों को दिया जाता है, एंड अदर इनवैलिड्स और अन अपाहिज जो बच्चों को दिया जाता है, वो नीड सर्टेन विटामिन, जिनको प्रमुख विटामिन की जरूरत होती है। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स, वेजिटेबल ऑयल जो है उसको भी बहुत पुराने समय से जाना जाता है। नो हाउस होल्ड कैन गेट आउट ऑन विदाउट इट,
किसी भी घर में ऐसा नहीं होगा कि इसका यूज़ नहीं होता हो, फॉर इट इज़ यूज इन कुकिंग, क्योंकि इसका प्रयोग कुकिंग में होता है। परफ्यूम्स, परफ्यूम वगैरह बनाने में होता है। मे बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, मुख्य मुख्य फ्लावर्स होते हैं उनके उससे ऑयल से परफ्यूम बनाए जाते हैं। सोप, साबुन बनाए जाते हैं। आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल की चर्बी जो होती है वो, और वेजिटेबल ऑयल से साबुन वगैरह बनाए जाते हैं। एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, प्रमुख फूलों के फ्लावर्स के ऑयल से भी साबुन बनाए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल, एनिमल ऑयल का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? शुरू में ही बताया गया व्हेल, मछली। तो व्हेल इज द मेन सोर्स है। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज फॉर, वेजिटेबल ऑयल को हमेशा कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर इसका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में द ऑफिस, यानी मछली का कौन सा पार्ट, यानी कौन सा पार्ट ऐसा है जिसकी वजह से मछली से तेल निकाला जाता है? तो उसका लीवर जो है वो काम का होता है। द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट, जो बसा होती है उसकी जो कवरिंग होती है व्हेल मछली पर, उसे क्या कहते हैं? उसे ब्लबर कहते हैं। नंबर 11 है आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। तो ये लास्ट में लिखा हुआ था, साबुन जो बनाए जाते हैं वो इन चीज़ों से बनाए जाते हैं। फीमेल ऑफ रैम, रैम कहते हैं मेड़ा, जिसका फीमेल जो है वो ई डब्ल्यू ई होता है, मेड़ी कहते हैं, भीड़ का लड़का, भीड़ की लड़की। साइंस का एडजेक्टिव बनेगा वो साइंटिफिक, यानी ए, 13 का आंसर है वो ए होगा। मर्डर ऑफ अ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड, राजा की हत्या, यानी 14 नंबर में ए आंसर होगा। आल क्योर का मतलब होता है सभी चीज़ का परमानेंट इलाज, यानी रामबाण औषधि, यानी बी, पनासिया इज द करेक्ट आंसर। तो 15 का आंसर है वो बी है। 16 में देखिए पास्ट फॉर्म ऑफ लेट, लेट की जो पास्ट फॉर्म है वो ध्यान रखना, लेट की कोई फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फॉर्म अलग अलग नहीं होती है, सेम फॉर्म होती है, इसलिए पास्ट की जो फॉर्म होगी वो लेट ही होगी, इसका आंसर है वो ए होगा। चलिए नरेशन चेंज करना है, कर्नल सेड, कर्नल ने कहा गो अहेड, आगे बढ़। तो कर्नल ने क्या किया होगा, कमांड दिया होगा सोल्जर्स को टू गो अहेड, के आगे बढ़ एंड पुश द टेरेस बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। 17 का आंसर है वो बी होगा, कमांड किया उसने। 18 में देखिए चेंज द बॉयस, वी मेड हिम कैप्टन, हमने उसे कप्तान बनाया, तो ही वॉज मेड कैप्टन, तो ही वॉज मेड कैप्टन बाय अस, यानी पहला, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नंबर 19 की तरफ चलते हैं। फिल द प्रॉपर वर्ड इन द फॉलोइंग, यानी आर्टिकल भरना है आपको। प्रोफेसर सिंह इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, अगर वो यूनिवर्सिटी पढ़ाने जा रहे हैं तो आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आंसर डी होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है। ही डील्स राइस, डील्स के बाद इन भी आ जाता है, विद भी। अगर हम किसी इंसान से डीलिंग करते हैं तो डील विद होता है, और किसी व्यक्ति वस्तु से डील करते हैं तो डील इन लेता है। तो यार राइस का डीलिंग कर रहा है तो आंसर है वो ई, यानी डील इन होगा। तो इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन इस सेट में देखे, और 20 क्वेश्चन को करने के बाद आपका एनालाइज करिए, टाइम कितना लिया आपने और कितने करेक्ट क्वेश्चंस गए। तो इस तरह से आपने सेट नंबर 3 देखा। अब सेट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप लोगों को जो है मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।